अस्सलाम वालेकुम, आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वन सगेन आपको खुश आमदीद कहती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा से आपके लिए ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लाते हैं, तो फिर आज आपके लिए लाए हैं एक और बहुत ही ख़ास प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो आपको बताते चलें कि ये अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू होने वाली है ARGB फैंस का एक सेट है 3-in-1 उसकी। तो चलिए बढ़ते हैं, इसके कुछ हाइलाइटेड फ़ीचर्स पे नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं कि ये कौन से फ़ैन हैं। लेकिन ये बहुत ख़ास वीडियो है, अगर आपने सिनेमैटिक शॉट नहीं देखे तो उनको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो हिडन होती हैं। तो ये हैं ये हमारे पास बहुत ही स्पेशल ARGB फ़ैन, LCA ब्रांड की जानिब से X12 इनका मॉडल है, और ये इनके आउटलुक है जो आप सामने देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एडजस्टेबल RGB सिस्टम लिखा गया है, जिसका ये मतलब है कि ये एड्रेसेबल है, मीन इनको आप सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन सॉफ्टवेयर के साथ। और अपनी ओवरऑल सिस्टम की जो कलर टोन है ये उसके साथ मैच हो सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डालते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज़अप के अंदर के सुपर वाइड 120mm इम्पेलर, हाई स्क्रू डिज़ाइन और उसके साथ फ्रेमलेस स्ट्रक्चर है इसका। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सेक्शन है वो RGB है, इसका फ्रेम जो है वो टोटली इसके अराउंड रिंग वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 3 फैंस हैं टोटल इसके अंदर, जिनमें RGB एंड RPM कंट्रोलर भी मौजूद है। तो ये हैं कुछ इसके हाइलाइटेड स्पेक्स। तो अब चलिए ज़रा इसकी डिटेल स्पेक्स पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्पेक्स के अंदर सबसे पहले इनके डायमेंशन मेंशनड हैं, जो कि 120x120x30mm है। वेट जो है वो इनका 95 ± 3 ग्राम है। ऑफकोर्स ये अनसर्टेनिटी इसके अंदर, यू कैन अज्यूम टू बी 95 ग्राम। और इसके साथ साथ वोल्टेज जो ये रिक्वायर करते हैं वो DC 12 वोल्ट है, और करंट जो है वो 0.35 एम्पियर है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, तो आप वोल्टेज को एम्पियर से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल बी गेटिंग द पावर, लेकिन इस एम्पियर को मिली एम्पियर में नहीं होना चाहिए। और जैसे कि ये ARGB फ़ैन है, तो ऑफकोर्स इनकी जो फ़ैन स्पीड है वो वेरी कर सकती है। अगर आप इसको PWM पल्स विड्थ मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो इनके RPM जो है वो 800, 1000 एंड 1200 तक मैक्सिमम जा सकती है। एंड मैक्सिमम एयर फ्लो जो ये इनटेक कर सकते हैं, दैट इज़ 42.2 क्यूबिक फीट पर मिनट। नॉइज़ लेवल इनका 26.3 dB है, जो कि काफ़ी कम है। और इसके साथ साथ ±10% की एक्यूरेसी भी इनमें मौजूद है। इसके अंदर हाइड्रोलिक बियरिंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। और साथ ही इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इट इज़ अप टू 40,000 आवर्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक LCA की कंट्रोलर हब और एक रिमोट भी शामिल है। इस जानिब जो है वो यहाँ पे कंट्रोलर हब की स्पेक्स जो है वो मेंशनड हैं, एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पे इस जानिब जो है वो आप देख सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल की स्पेक्स मेंशनड हैं। वीडियो को आप यहाँ पे चाहें तो पॉज कर सकते हैं, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इस वजह से हम जो है वो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की तरफ। तो ये इस जानिब से इसकी डायमेंशंस, फैन थिकनेस जो अराउंड 30mm है वो आपको बताई गई है, लेंथ विड्थ बताई गई है, और स्क्वायर टाइप के हैं। ऑफ कोर्स ये 120x120mm इनका साइज़ है, जबकि विड्थ जो है वो इनकी 30mm है। और उसके साथ साथ चलते हैं अब इसको अनबॉक्स करने की जानिब। तो इसको करते हैं जी अब हम अनबॉक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि LCA X12, और ये इसका डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे मेंशनड है। और इस जानिब जो है वो X12 बॉर्न टू बी कूल लिखा गया है। चलते हैं, तो ये हैं जी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दो फैंस, इंतहाई खूबसूरत डिसेंट लुक के अंदर। और आपको ये भी बताते चले कि जो 50% व्यू पैनल या इससे ज़्यादा के परसेंटेज के व्यू पैनल्स हैं केसिंग्स, उनके अंदर ख़ास तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट लगने वाले हैं। तो इसे एक फ़ैन को जो है वो बाहर निकाल के आपको क्लोज़अप में दिखा देते हैं, और फर्दर क्लोज़अप्स के लिए आप चाहें तो सिनेमैटिक शॉट्स को दोबारा से देख सकते हैं। तो दिस इज़ द क्लोज़अप स्क्रीन शॉट ऑफ LCA X12, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ये एरिया जो है इसके अंदर RGB लाइट आती है, जो कि पूरे फ़ैन के रिंग में भी आती है, रिंग तो नहीं कहना चाहिए, पूरे फ़ैन के ब्लेड्स में आती है। और इस जानिब से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैक साइड है फ़ैन की, यहाँ पे रबर्स जो हैं ये भी प्रोवाइडेड हैं, जिसकी मदद से ये वाइब्रेशन डिटेक्शन में इसको हेल्प मिलेगी। LCA की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है, सो ऑल द फैंस आर सेम बट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर।
तो बढ़ते हैं बॉक्स के अंदर और देखते हैं क्या है। सो दिस इज़ द थर्ड फैन हियर, यहाँ पे आप एक तीसरा फैन देख सकते हैं, एग्जैक्टली द सेम। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ हमें सारा पावर मिल जाती है, उसके साथ कुछ केबल हेडर से कनेक्ट करने के लिए कुछ केबल्स मिल जाती हैं आपको। और साथ ही ये एक और डिफरेंट टाइप्स की केबल है जो कि फ़ैन को सेंट्रल कंट्रोलर हब के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होंगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये कंप्लीट एक सिक्रियो सेट मिल जाता है, और साथ ही जो है ये LCA की ARGB हब है, और आपको ये बताते चले कि ये भी ARGB है, और इसके अंदर भी लाइट जो है वो एज सच आती है जैसा कि फैंस के अंदर आपने देखा। और ये हैं इस जानिब इसका रिमोट, और ये कंट्रोलर हब जो है यहाँ पे आपको बाहर निकाल के इसको क्लोज़अप में दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं LCA की ब्रांडिंग के साथ, और इसकी एक ख़ास बात आपको बताएं कि ये जो एरिया है यहाँ पे ना सिर्फ इसके टेक्निकल स्पेक्स मेंशन हैं बल्कि ये मैग्नेटिक भी है। एज़ यू माइट नोटिस दिस थिंग कि जैसे ही स्क्रू सेट को यहाँ पे इसने फौरी तौर पे अटैच कर लिया। सो इसको आप, कहने का मकसद ये है कि आप इसको केसिंग के अंदर कहीं भी किसी भी जगह अपनी कंफर्ट के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं कि इस हब के अंदर जो टोटल 10 फैंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इसमें 10 पोर्ट्स मौजूद हैं, ये जो है वो इसको पावर ऑन करने के तो लिए। ये ये थी थी आज की हमारी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू LCA X12 का। और अगर आप इन फैंस को बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट करके ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट या गेमिंग PC बिल्ड आपको डिलीवर करवा सकते हैं। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग्स एंड रिव्यूज़ जो कि इंशाल्लाह इस चैनल पर आती रहेंगी वो देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।